गाइस वेलकम टू मॉडर्न किचन, मैं हूँ आस्था। तो चलिए आज बनाते हैं सोया चंक से एक और इंटरेस्टिंग सीड डिश जो है सोया वेज कटलेट। सोया वेज कटलेट बहुत ही हेल्दी स्नैक है क्योंकि हम इसमें कई सारी सब्जियां भी ऐड करेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं सोया वेज कटलेट की रेसिपी। वेज सोया कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम सोया चंक्स को सोक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 1.5 कप सोया चंक्स और इसमें हम डालेंगे गरम पानी। पानी का कोई मेजरमेंट नहीं है, बस ये सोया चंक्स अच्छे से डूब जाए इतना पानी आपको लेना है। तो पानी डाल के हम इसे आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आधा घंटे के बाद हम चेक करेंगे कि सोया चंक्स अच्छे से फूले हैं या नहीं। तो इसके लिए हम एक सोया चंक्स लेंगे और इस तरह से देखेंगे अंदर तक ये अच्छे से फूल गया है तो अभी ये रेडी है। हम इसका सबसे पहले अच्छे से पानी निकाल देंगे और उसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है। तो सारे सोया चंक्स को हम ग्राइंडर में लेने के बाद अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से आपको ग्राइंड करना है, ध्यान रखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 छोटे आलू, ये बॉयल्ड आलू हैं, इनको अच्छे से ग्रेट करके हम डालेंगे इसमें। मिक्स कर दें पहले इन आलू को। तो अब मैंने ली है 1 बड़ी शिमला मिर्च, इसको मैंने बहुत ही बारीक काटा है आप देख सकते हैं, तो डाल देंगे इसमें। तो अब डालेंगे 1 बड़ा प्याज, इसको भी बहुत ही महीन मैंने काटा है। ये मैंने कुछ हरा धनिया लिया है, हरा धनिया की पत्ती मैंने यूज़ नहीं की है, जो डंडी होती है ना वो यूज़। आप चाहें तो धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च कटी हुई और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए जो भी सब्जी आप यूज़ कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से उसको बारीक काटें। अब मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और मैंने यहाँ पे 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लगभग 6 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा लिया है। अब डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, गरम मसाला 2 पिंच हींग, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक आपने काला भी यूज़ किया है तो ध्यान से डालें। कलर के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे हम सारी चीज़ों को। तो इस तरह से आपको डो बना के रेडी कर लेना है। तो अब हम लेंगे एल्यूमिनियम फॉइल और इसको अच्छे से कवर करके 30 से 40 मिनट तक फ्रीजर में रखेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है, फ्रीजर में नहीं रख पा रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। तो अब फ्रीजर से निकालने के बाद हम इसे थोड़ा सा और मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको हम मिला लेंगे और अब हम इसके बनाएंगे कटलेट। तो इस तरह से एक प्लेट लेंगे और छोटे छोटे से हमें कटलेट बनाने हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी शेप इन कटलेट्स को दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे राउंड और फ्लैट सा शेप दिया है टिक्की की तरह। तो सारे कटलेट हम बना के रेडी कर लेंगे इसी तरह से। तो मैंने तो सारे कटलेट बना के रेडी कर लिए हैं, अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो एक पैन रखेंगे गैस पे, गैस का फ्लेम रखना है मीडियम और इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो हमने कटलेट बना के रेडी किए थे वो हम इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम अब आपको मीडियम टू लो कर देना है और दोनों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन सेक लेना है। जब ये इस स्टेज तक आ जाए तो गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो कर देना है, इससे कि अंदर से कच्चे ना रहें और ऊपर भी बराबर से सेक जाएं। तो जो कटलेट हैं अच्छे से सेक गए हैं, हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे। तो अब इसी तरह से जो कटलेट बचे हुए हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो जो ऑयल है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया है तो गैस का फ्लेम आप फिर से एक बार मीडियम कर दीजिए। तो सारे कटलेट अब फ्राई हो गए हैं, हम इनको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब मैं इसको एक तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो अब आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करिए या अपने पसंद की कोई भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मॉडर्न किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें।